भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी अराजनैतिक ने दिया धरना और बताया आखिरकार मुख्य वजह क्या रही धरना प्रदर्शन करने की। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर रामचंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बताया किस तरीके से किसान परेशान है। वहीं आपको हम बता दें, प्रेस नोट की जानकारी के अनुसार इन्होंने अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा है, ताकि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। वहीं किसानों ने बताया है कि LDA और नगर निगम की मनमानी को लेकर वह लगातार परेशान हैं और उनके परिवारी जन एक एक दाने को मोहताज हैं। ये डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। समय हम लोग इको गार्डन पे, जहां भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय वादी सभी किसान अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए हैं, जहां उनकी मांगे हैं। और जब उन्हें की मांगे कहीं पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आज इको गार्डन में अपनी मांग को रखते हुए धरना दिया है। और उनसे जानते हैं कि इस बार किस वजह से किसान को परेशान होकर सड़कों पर उतरना पड़ा और अपनी खेती बाड़ी परिवार को छोड़कर आज वो सड़क पर है, और अपनी किस मांग से रखने के लिए आज वो उच्च अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है। क्या नाम है? अमरनाथ यादव। हम आए गोमती नगर से। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी जो है जमीनें चली गई, LDA ने लखनऊ विकास प्राधिकरण ले लिया है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला हमारे किसान भाइयों को और हमको भी। और नगर निगम आए दिन हमारे जो है मकान का हाउस टैक्स भेजती है, हम हाउस टैक्स जो है माफ़ करवाना चाहते हैं। बताइए कि किन मांगों को लेकर आज सभी किसानों को आज रोड पे आना पड़ा, किधर ने? सर्वप्रथम हम लोग जो किसान आए हैं दूर दराज से, लखनऊ के किसान हैं, बरेली से आए हैं, बहराइच से आए हैं, शाहजहानपुर से आए हैं, हरदोई से हैं, मुख्य मांग है MSP की गारंटी, जो किसानों के द्वारा उत्पादित धान, गेहूं, मक्का, आलू, गन्ना वगैरह की है, उसका मूल्य जो है उसकी गारंटी सरकार दे। दूसरी चीज़ है किसानों के समस्त कर्ज माफ़ किए जाएं, जो किसान कर्जदार होता जा रहा है उसके कर्ज माफ़ किए जाएं। और तीसरा जो है किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है गेहूं, धान, मक्का वगैरह, इसका मिनिमम गेहूं का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, गन्ने का 500 रुपये प्रति क्विंटल और धान का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरे का 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, इसी प्रकार मतलब उनके रेट फिक्स किए जाएँ। अभी क्या रेट चल रहा है फिर, अभी कैसे? अभी 2,200 रुपये नियर अबाउट गवर्नमेंट ने रेट किया है, लेकिन ये लागत नहीं आती इसमें। रावेन सिंह चौहान। क्या कहना चाहेंगे, आज किसान क्यों आहत है और सरकार के सामने आज अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल आया? किसान की फसल की जब लागत नहीं मिलेगी, किसान कर्ज के तले दबा जा रहा है, कर्ज ले लेकर के खेती में लगाता है, लेकिन जब अपनी उपज को बेचता है तो वो बिचौलिए हड़प लेते हैं और जो सरकार रेट तय करती है वो भी नहीं मिलता है, तो किसान आज इसीलिए जो है परेशान है। और किसान की ये मांग है कि जो कर्ज है किसानों पर वो सारा का सारा माफ़ किया जाए और ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए किसानों को। जब चीनी मिल वालों का या बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा सरकार माफ़ कर दे रही है तो किसानों का भी माफ़ होना चाहिए, किसानों का कर्जा माफ़ हो, ब्याज मुक्त इनको कर्ज मिले और किसान जो है कि किसान आयोग का गठन हो। सभी का आयोग है लेकिन किसानों का कोई आयोग नहीं है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का उपाधि से नवाजा है, लेकिन उनकी बात को नहीं मान रहे। जो उन्होंने रिपोर्ट की कि किसानों की उपज जो है उसको 1.5 गुने दाम में खरीदा जाए C+, C2+ के आधार पर, लेकिन ये नहीं माना तो भारत रत्न, बात नहीं मानी तो भारत रत्न तो दे दे। भारत रत्न का क्या औचित्य है? नहीं, कोई औचित्य नहीं, वो तो है नहीं, वो तो मर चुके हैं ना, तो मरने के उपरांत उनको भारत रत्न दिया गया इसका मतलब वो उनके विचार सही थे और मानने योग्य थे, और जब मानने योग्य थे तो उनको माना जाना चाहिए, तो ये नहीं माना गया। कुछ कहने का मतलब ये है कि किसानों की बातों को जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान युवा क्या सोचता है आज, युवा किसान क्या सोचता है जब आपके बड़े
आज इस समय अपनी मांगों को लेकर आज इस सड़क पे हैं, इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, तो आज युवा क्या सोचता है? क्या वो किसानी की तरफ जाना चाहता है? क्या वो चाहता है कि मैं कि अपने पिता परिवार की तरह किसान बनूं, कि इससे निकलना चाहता है? युवा यही चाहता है, युवा अपने परिवार का दर्द देखा है, सहा है, उसने जमीनी स्तर पर काम किया है। आज के युवाओं में देखता हूँ ज़्यादा इंटरेस्ट उनको पॉलिटिकल पार्टी में है, कोई बीजेपी में है, कोई सपा में है, लेकिन युवा एक किसान भी है, वो अपने परिवार का दर्द समझता है। 40 साल हो गए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिकृत की है 4.60 रुपये, हालत देने में ख़राब है एलडीए की, और हम लोग से ज़मीनें ले ली, मुआवजा नहीं दिया। जो हमारे बुजुर्ग आज नहीं रहे हैं उनका क्या करेगी पीड़ित? रेमेडीज प्रोवाइड कराएगी हमें? जो किसान नहीं रहे उसी वक्त अगर मुआवजा मिल जाता 4.60 रुपये, तो आज हमारी माताएं बहनें कॉलोनी में जाके ना झाड़ू करती ना पोछा करती, इनको शर्म नहीं आती है? सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन हर तो सरकार किसान की बात करती है, ऑन ग्राउंड कितना काम किया है किसान? इतना काम कर रहा है ना, उसका आधा भी सरकार काम कर ले। भारत को दो ही लोग चला रहे हैं, बॉर्डर पे खड़ा जवान और खेत में खड़ा है किसान। अधिकारियों वजह से नहीं चल रहा है, ना किसी राजनेताओं वजह से चल रहा है। सही बात है, और लोगों से जानेंगे, कुछ और किसान नेता भी हमारे पास भी हैं। क्या मैं अशोक यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, आज हम लोग एकत्र इको गार्डन में कई मुद्दे हैं, जैसे किसानों को कर्ज माफी को लेकर, और गोमती नगर के किसानों को 38 वर्ष हो चुके हैं, 84 पैसे में स्क्वायर फीट एक्वायर किया था, उनमें से उसमें से कई टुकड़ों में उनको पैसा मिला है, और कोर्ट द्वारा 4.60 रुपये की दर से कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है कि गरीब किसानों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन जो सरकारें बैठे हुए हैं गूंगी बहरी सरकारें, वो किसानों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, उनका मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। आज गोमती नगर का जो रेट है वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये स्क्वायर फीट है, और एक गरीब किसान के लिए रोड पर लगाने के लिए जगह तक नहीं है, ना दुकानें हैं, बच्चों की शादी ब्याह करने के लिए नहीं, कहीं बारात घर है, 1 इंच जगह नहीं छोड़ी है, और मजबूरन हम लोग को रोड पे करना पड़ रहा है। रोड पे करते तो पुलिस प्रशासन शासन हमको टाइट करता है। बहुत सारी मांगे हैं, अच्छा कहाँ से? मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। अच्छा, आज अन्नदाता परेशान है और धरने में बैठना एक आखिरी स्थान है, तो आप क्या सोच रहे हो कि आज यहाँ इको गार्डन में आप आए हो, क्योंकि यही एक स्थान है जहाँ पर आप धरना दे सकते हो, और तो कहीं नहीं जा सकते। यहाँ से भी अगर आपको नहीं मिलती है, आपकी मांग पूरी होती, तो क्या? मेरी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो मेरा ये अनवरत धरना जो है जारी रहेगा, और सरकार से हम आखिरी तक लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। ये भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी का आज प्रथम दिन का सत्याग्रह आंदोलन है। मैं विश्व कुमार मिश्र राष्ट्रीय महासचिव हरदोई से आया हुआ हूँ। हम लोग यहाँ पर जब तक हमारी समस्त मांगे मानी नहीं जाती, हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कराई जाती, या किसी सक्षम सचिव से, प्रमुख सचिव वगैरह से किसी से बात कराई नहीं जाती, तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा। अभी कोई आया आपकी सुध ले? अभी तो केवल पुलिस प्रशासन आया है और एलआई महोदय के लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी से कोई विशेष वार्ता नहीं हो पाई सक्षम अधिकारी से। तो महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है। अम्मा यहाँ आओ, अम्मा से अच्छा अम्मा खड़ी नहीं हो पाएंगी, लेकिन सोचिए इतनी उम्र में भी अपनी मांग को लेकर आज वो धरने में आई है, इनके पैर में दिक्कत है। अम्मा क्या नाम है? मालती। आज आप कहाँ से आई हो वैसे? लखनऊ तेनहट से। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, कहीं काम ना करे तो खाए क्या? मेरी जमीन ले लिया है, कम से कम 85 साल हुई, और रोज रोज का वादा करता, कहीं भी एक रुपया नहीं देता। एलडीए वाला जो सरकार ने लिया है उसीलिए तो यहाँ पड़े हैं। एलडीए ने जमीन आपकी ले ली है, उसका कोई पैसा आपको नहीं दिया? अभी पैसा नहीं दिया कोई। मैं यही कि कहाँ की जमीन? सब वही 4-5 गांवों के उधर। कहाँ है ये? चनहट लखनऊ में। लखनऊ में हाँ। आपकी क्या समस्या? समस्या का हमारे पंजन मवाजा नहीं, बच्चे कैसे रह जाए बताओ? इतने तक लड़का सयान बैठे हैं, कहाँ कहाँ है बताओ? कहाँ पैसा लावे, कहाँ पेट चलावे, अब कहाँ उनके शादी कराए? अरे तो 3-4 शादी ब्याह कैसे हुए उनका? ये जो आप सरकार या मैं मोदी सरकार में खुश महिलाओं की फोटो देखते हो कि हम महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिल गई, महिलाओं को घर मिल गया, महिलाओं हम
जाए, बताओ की क्या कर, की क्या घर में चोरी करी जाए, हमका बताओ, बताओ की क्या घर में, कहो के घर में डांटा डारी जाए कि पेट चले कि बच्चन शादी करे कि क्या करी, बताओ हमका। कुछ ये पुरुष महिलाएं भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, सब कितनी महिलाएं, ये सब महिलाएं हैं बच्ची, देखो ये टोटल महिला पुरुषों के साथ महिलाओं को भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। और मैं फिर कहूँगी, आप जो होर्डिंग देखते हो महिलाओं की कि योजना सरकार की योजना मिली है और ये इतनी खुश महिलाओं की होर्डिंग देखते हो, तो आप एक बार ये देखो ये बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपना आज घर छोड़कर यहाँ अपने धरने में बैठे अपनी मांग को लेकर, और सिर्फ ये किसी की जमीन LDA द्वारा ले ली गई है तो उनको पैसा नहीं दिया गया, किसी की जमीन चली गई है, किसी को किसान पूरी किसानी का पैसा नहीं मिलता, अनाज का, ये अन्नदाता है जो आज परेशान है, जिसकी बदौलत हम खाते हैं, सरकार के घर में रोटी भी जो बनती होगी यही उगा रहे हैं, यानी जितने नेता मंत्री अधिकारियों जो रोटी खाते हैं वो सब यही उगा रहे हैं, इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो मुझे लगता है आधे लोग भूखे ही मर जाएंगे। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स, ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे उत्तर प्रदेश की।